हेलो व्यवर्स आदाब मेरा नाम डॉक्टर के वी नारायणा मैं स्पीच एंड स्पेलिंग थेरेपिस्ट ऑडियोलॉजिस्ट और, और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ मोनो नॉलेज सीरीज़ में आपका वेलकम है आज हम ऑटिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे ये ऑटिज्म क्या होता है ये साइकोलॉजिकल डिज़ॉर्डर और डेवलपमेंटल डिज़ॉर्डर होता है ये स्पेशली तीन साल के बच्चों को ये प्रॉब्लम्स हम देख सकते हैं ये बच्चों को स्पेशली सोशलाइजेशन पूर्व होता है सोशल इंट्रेक्शन नहीं रहता है डिले डेवलपमेंटल माइजिस्ट्रेंस होते हैं और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स भी होते हैं हम कोई इंसिडेंस और प्रवेंस देखें तो इन द ईयर टू थाउजेंड आउट ऑफ वन सिक्सटी फाइव चिल्ड्रंस वन चिल्ड्रेन कमिंग टू ऑर्टिज़म आज के ज़माने में ट्वेंटी ट्वेंटी में हर तीस बच्चों में से एक बच्चे को आर्टिज़म आ रहा है इट इज़ वेरी डेंजरस बेल्स टू द पेरेंट्स एंड द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ़ द किड्स सो वी शुड टेक केयर ऑफ एवरी थिंग इन ऑर्डर नाउ ये प्रॉब्लम्स किस लिए आते हैं क्यों आते हैं बच्चे ऑटिज़म किस तरह बनते हैं हम देख सकते हैं इसको पहले से देखें तो सर्च रिसर्च करने के बाद में बच्चों को जब पैदा होते हैं तो डिलीवरी के प्रॉब्लम्स में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उसके वजह से भी आएगा इसके साथ में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ब्रेन डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स और ब्रेन न्यूरोनाटेमिकल स्ट्रक्चर्स डिफॉर्मल्टीज होने से भी ये प्रॉब्लम्स आएगा नेक्स्ट जेनेटिकल इश्यूज़ में भी इसमें आएगा पेरेंटल रिजेक्शन से भी ये आर्टिज़म आता है हम आजकल देखे गए तो बहुत सारे बच्चों को जो आर्टिज़म बन रहे हैं इस्पेशली जो बच्चों को गैजेट्स दे रहे हैं स्क्रीन टाइम बता रहे हैं उन बच्चों को ये आर्टिज़म बहुत बहुत आ रहा है और हम थोड़े बच्चों को देखते हैं वैक्सीनेशन डालने के बाद में भी ये बच्चों को ड्यू टू सम रीजंस इनको ऑर्टिज़म करेक्टर्स आते हैं ये एक बार ऑर्टिज़म आने से जाने का कोई चांसेस ज़्यादा बहुत कम है ये ऑर्टिज़म या ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिज़ॉर्डर इनमें बहुत बहुत कैरेक्टर्स हम देख सकते हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिज़र्डर में बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं रेस्टलेसनेस होते हैं बहुत इश्यूज आते हैं बच्चे अपने आप अलग हो जाते हैं दुनिया से वो अपने आप अलग बैठना चाहते हैं अलग खेलना चाहते हैं और थोड़े बच्चे पूरा रूम में घूमते रहते हैं उधर एक जगह बैठते नहीं है पेरेंट्स ये सोचते हैं कि ये कब सो जाएगा इतना थक जाएंगे पेरेंट्स उतना प्रॉब्लम बिहार प्रॉब्लम यह बच्चे को आएगा इसके बाद में यही बच्चों को साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आते हैं बहुत बच्चे डिप्रेशन हो जाते हैं और थोड़े बच्चों को हम सिम्टम्स देखा गए तो बच्चे अपने आप हाथा पैरा मार लेते हैं यूं यूँ अपने हाथा उंगलियाँ देख लेना हाथा मार लेना और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ आया तो कान बंद कर लेना तो इन लोगों के बहुत कैरेक्टर्स होते हैं और थोड़े बच्चे हम देखा गए तो पीछे पीछे आगे पीछे हिलते जाना चाहिए रहते हैं ये पूरे कैरेक्टर्स सब बच्चों को रहता बल्कि नहीं थोड़े थोड़े बच्चों में थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स रहते हैं इसमें हम बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स बेस्ड ऑन द बिहेवियर्स ऑडियंस स्पेक्ट्रम डिजल्ट को डिवाइड किया गया है इसमें से पी बोलते हैं ऑटिज्म बोलते हैं ए बोलते हैं और इस तरह के कितने की प्रॉब्लम्स अपने को बता सकते हैं हर एक बच्चे का ऑटिज्म का एक एक कैरेक्टर्स लेके हम उनको कौन सा लेवल पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट थिंग जो बच्चों के कैरेक्टर्स जो कम रहते हैं जो बात सुनते हैं जो करते हैं उनका कैरेक्टर्स के माइल्ड में डाल सकते हैं माइल्ड मॉडरेट और सीवियर जो बच्चे सुनते ही नहीं हैं किसी को देखते नहीं जो अपने दुनिया में रहते हैं ये पूरे बच्चों का कैरेक्टर्स होते हैं सीवियरिटी में आते हैं यही बच्चे रोज एक ही तरह खाने का ख्वाहिश करते हैं एक ही तरह कपड़े पहनने की ख्वाहिश करते हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रेसेस ओनली उनकी ख्वाहिश करते हैं यही बच्चे घूमते से चीज़ों को देखते रहते हैं मतलब ये है कि वो कार का जो व्हील्स रहते हैं वो घुमाते देखते व्हील्स को देखते रहता है और ये पूरे एक सीक्वेंस ऑर्डर में रखता है एक ही लाइन में रखे देखता रहता है और यही बच्चे रोज जो रोज़ जो घर में जैसा रहता है उसका हम थोड़ा भी डिफिकल्ट थोड़े भी हम चेंज कर दिए ये बच्चे एक्सेप्ट ही नहीं करते और ये बच्चे रोज़ हम एक रास्ते से जा रहे हैं वही रास्ते से जाने के लिए वो कैश करेंगे अगर वो रास्ते से दूसरे रास्ते में ले गए उस दिन बच्चे उससे सुनते नहीं ताकि वो फिर वहाँ से ही लेके जाना है ये पूरे उन लोगों में कैरेक्टर्स है इनके कैरेक्टर्स बेस करके हम माइल्ड मॉडरेट और सीवियर बता देते हैं और साथ में इनके साथ में और हम देख सकते हैं थोड़े बिहेवियर्स जैसे कि ये बच्चे जब आप टैब स्क्रीन टाइम देखते हैं वो बच्चों को वॉइस भी चेंज हो जाता रहता है येस नो डोंट डू जैसे टैब में लैंग्वेज में जो स्क्रीन टाइम बच्चे सीखते हैं वही वो, वो आवाज़ इनको आएगा इसके साथ में इन लोगों को अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन आई कॉन्टेक्ट नहीं रहेगा बच्चे एक जगह नहीं बैठेंगे हम जो बात करते हैं वो नहीं सुनेंगे और आई कॉन्टेट भी नहीं करेंगे ये पूरे कैरेक्टर्स हम ऑटिज्म के बच्चों में हम देख सकते हैं इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं हम बच्चों को पहले हम डॉक्टर के पास लेके जाएंगे कोई प्रॉब्लम है देख चेक करेंगे मेडिकल प्रॉब्लम चेक करेंगे वो सी स्कैन निकालेंगे एम निकालेंगे और ज़रूरत पड़े ब्लड टेस्ट भी करेंगे इसके बाद में फाइनली एक डायग्नोसिस पे आएंगे अगर उसको कुछ सर्जरी चाहिए तो करेंगे नहीं तो हम फाइनली उसको कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे हम वो डॉक्टर के पास रेफ़र करेंगे ए टीम ऑफ डॉक्टर्स अप्रोच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रीटिंग द चाइल्ड अब इसमें रिहेबिलिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ये रिहेबिलटेशन में क्या होता है हम सब बच्चों को सब थेरेपीज देने की कोई जरूरत नहीं है जो बच्चों को जो थेरेपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम वही थेरेपी वहीं भिजा देंगे एग्जाम्पल जिस बच्चे को स्पीच नहीं आ रहा है बात नहीं आ रहा है तो हम स्पीच थेरेपीज पर भिजाएंगे स्पीच थेरेपिस्ट को पूरा डिटेल अससमेंट करेगा उनका बिहेवियर क्या है उनका कैरेटर्स क्या है कौन सा कम्युनिकेशन है कौन सा लैंग्वेज है कहाँ तक बात कर रहा है ये पूरा असेसमेंट करके उनको स्पीच थेरेपी देंगे साथ में उसका बिहेवियरल इश्यूज़ क्या है मैं जैसे आपको बता रहा था कि वो बच्चे अपने आप में मार लेते हैं अपने आप को कतर लेते हैं और दूसरों को मारते ऐसे बिहेवियर प्रॉब्लम्स है तो हम वो बिहेवियर थेरेपिस्ट के पास भेज देंगे इसी तरह उसको सेंसरी इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स है तो हम सेंसरी थेरेपिस्ट के पास भेजेंगे और बच्चे को फाइन मोटर स्किल्स या ग्रॉस मोटर स्किल्स सीधा प्रॉपर नहीं अच्छी हुआ तो हम उसको के ऑक्यूपेश भिजाएँगे टोटली ऑल टीम ऑफ अप्रोच डॉक्टर्स विल सिट एंड डिस्कस अबाउट द ईच एंड एवरी किड एंड डू द थेरेपीज टू द पर्टिकुलर बिहेवियर पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ द किट इस तरह से हम किट को जो जो थेरेपी चाहिए वही देना चाहिए ये नहीं कि सब थेरेपीज मिला के एक बच्चे को दे के उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करिएट करना चाहिए हम अभी तक ऑडिजम बच्चों के बारे में सुने हैं अब यह स्पेशली इम्पॉर्टेंट नोटिस फॉर द पेरेंट्स हम देखते हैं आजकल के पेरेंट्स सैनडरी लाइफ की वजह से बच्चे ऐसे होते हैं और अनहेल्दी कंडीशन ऑफ द पेरेंट्स के लिए ऐसे होते हैं और हम देखते हैं थोड़े बच्चों को पेरेंट्स लेके जाके डे केयर सेंटर में डालते हैं सुबह में डालते हैं और शाम में लेके आके घर में डालते हैं खाना खिला के पानी पिला के सुला देते हैं उनसे बातचीत नहीं होती है द कम्युनिकेशन बिटवीन द पेरेंट्स एंड द गिट गोस वेरी वेरी लो सो कम्युनिकेशन नहीं होने से भी बच्चा ऐसे ऑटिज्म बन सकते हैं और हम देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स रहने से भी बच्चों को गैजेट देते हैं फ़ोन देते हैं और स्क्रीन टाइम एक्सपोज करने से भी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं हम अभी तक देखे थे क्या क्या प्रॉब्लम से हम इसको आते हैं और कैसे हम इसको ट्रीटमेंट करते हैं क्या करते हैं मगर इससे पहले और एक बात पेरेंट्स बहुत याद रखने का चीज़ ये एक बात है कि तब अपने पता चला कि अपने बच्चे को ये ऑटिज़म के फीचर्स है या ऑटोज़म कैरेक्टर से हम इसे क्या करना चाहिए पहले हम इसको एक्सेप्ट करना चाहिए सिंपली यही सोचिए अगर कोई प्रॉब्लम आपका इमरजेंसी हेल्थ आ गया कोई किडनी का प्रॉब्लम है इसको रिप्लेस करना क्या करेंगे हम निकाल के रिप्लेस करके हम फिर इसको नॉर्मल लाइफ लीड करेंगे वो थोड़े दिन की प्रॉब्लम है मगर ये सोचो बच्चा पाँच साल के अंदर उसको ब्रेन में जितना मॉडिफ़िकेशन होता है हम इसको क्रिटिकल पीरियड कहते हैं एक क्रिटिकल पीरियड में जितना ब्रेन उसका बढ़ता है और वो जितना भी सीखता है वही बात करता है उसी तरह वो बर्ताव करता है तो आप लोग अगर आपके बच्चे को आपको मालूम हुआ कि ऑटिज़म है तो आप एक्सेप्ट करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है हम इसको थोड़े दिन के बाद एक महीने दो महीने के एक साल तक थेरेपी लेंगे वो डिपेंड रहता है बच्चे का सीवियरिटी कितना डिपेंड है सी के ऊपर से हम स्पीच लैंग्वेज या कम्युनिकेशन बिहेवियर ओ और सेंसर इंटीग्रेशन जो भी हो थेरेपी दिलाएंगे हम उसको सेट कर सकते हैं ऐसे छोड़ने से नहीं होता है पेरेंट्स को मैं ये फिर बोलता हूँ अगर आप लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये आगे बढ़ के बच्चा बड़ा होने के बाद ऐसे ही ऑटिज्म फीचर्स रहेंगे और आप लोग उसको देखते रहेंगे और वो आपको देखते रहेंगे मैं ये पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ स्पेंड द टाइम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो बच्चों के साथ बात करो किस तरह से बात करना है किस तरह से बर्ताव करना है बच्चों को सिखाओ ये नहीं कि हम हमेशा उनको टैब दे दिए हम बहुत अच्छा लाइफ दे रहे हैं बच्चे को हम सब दिला रहे हैं हम सब इसको टेक्नोलॉजिकली हम बिहेव कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का हम इसको ऊपर लेके जाएंगे ऐसा सोचेंगे मगर साथ में भी अपने कम्युनिकेशन स्पीच एंड कम्युनिकेशन और लाइफ स्टाइल भी हमको सिखाना चाहिए और ये आई लेवल पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा ये आई के लेवल इतना इफेक्ट पड़ा है कि उसको देख के करते से कम बहुत अच्छा कर लेता है और जब कम्युनिकेशन करना चाहता है बात करना चाहता है कुछ इमोशन एक्सप्रेस करना चाहते हैं ये पूरे उसको नहीं आते इसके लिए सोल्यूशंस है तब सोल्यूशंस है हम उसको जाएंगे, डॉक्टर से मिलेंगे हम उसके सोल्यूशन के हिसाब से थेरेपीज लेंगे और बच्चे को नॉर्मल लाइफ लीड करेंगे थैंक यू